जी अस्सलाम वालेकुम। बस हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो ये है कि यहाँ पर जो हम डिस्कस कर चुके थे ये सब कुछ इसके जनरलाइज करना, इस प्रॉब्लम को। तो जनरलाइज करने का मतलब कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है जो हम मतलब ये है कि चेबीशेव मेथड से अगर हम सॉल्व करना चाहें तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये है कि वी नाउ जनरलाइज दिस प्रोसीजर गिवन सम फंक्शन टाइप वाई इक्वल एफ एक्स, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है इसके अंदर। उस पैरामीटर्स आर टू बी डिटर्मेंड, मतलब इट कैन हैव एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड कलेक्शन ऑफ डेटा पॉइंट्स एम डेटा पॉइंट एक्स वन एक्स आई वाई आई डिफाइन द रेसिडुअल्स। तो मैं सबसे पहले रेसिडुअल डिफाइन करना है। तो ये कि हमारे पास कोई भी अगर किसी भी तरीके का मतलब डेटा हो, इररिस्पेक्टिव वो क्या टाइप है, हमें मतलब उसके रेसिडुअल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। और जो रेसिडुअल्स डिफाइन करने हैं, जो हम मॉडल्स पे फिट करना चाह रहे हैं उसके लिहाज से वो रेसिडुअल्स डिफाइन होंगे। अगर हम कोई इस तरह का मॉडल फिट कर रहे हैं, लेट सपोज इस तरह का मॉडल हम फिट कर रहे हैं, मतलब वैसे ही, मतलब ये कि एक आर्बिट्री एग्जांपल हमने ले ली यहाँ पे, तो आपके पास ये इसके रेसिडुअल्स कहलाएंगे कि फ्रॉम द मॉडल टू द डेटा पॉइंट। तो ये रेसिडुअल्स कहलाएंगे जो मेरे पास R1, R2, R3, R4 होंगे। और ये मेरे पास जो डेटा पॉइंट्स हैं, ये आपके पास जो डेटा पॉइंट, ये X1 Y1 होगा, और ये X2 Y2, और ये X3 Y3, ये X4 Y4, और फिर आपके पास X5 Y5, ठीक है, इस तरह करके। और फिर हमारे पास वी फॉर्म दिस इनइक्वालिटीज़, और फिर हमारे पास पूरा एक लीनियर प्रोग्राम बनेगा जो पहले बात गुजर चुकी। ऑल्दो वी डिस्कस लीनियर प्रोग्राम इन चैप्टर 7, और ये कि वहाँ पे जब ये आएगा, और वी शुड नोट हियर दैट द मॉडल रिजल्टिंग फ्रॉम दिस प्रोसीजर इज़ नॉट ऑलवेज अ लीनियर प्रोग्राम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर फिटिंग अ फंक्शन, तो अगर हमारे पास एक नॉन लीनियर फंक्शन आ गया, fx = sin kx इज अ नॉन लीनियर फंक्शन, तो ये कि उसके अंदर ये कोई लीनियर प्रोग्राम इस तरह नहीं बनेगा। ऑल्सो नोट दैट मेनी कंप्यूटर कोड्स ऑफ द सिंप्लेक्स एल्गोरिथम रिक्वायर यूजिंग वेरिएबल्स दैट आर अलाउड टू अज्यूम ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज। तो ये कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, दिस रिक्वायरमेंट कैन बी अकम्प्लिश विद सिंपल सब्स्टिट्यूशन, लेकिन ये प्रॉब्लम सेटअप करना इस चैप्टर में सिखाया गया है, ठीक है। मैं बस यहाँ पे क्विकली समराइज कर दूँ कि हम मैक्सिमम एब्सोल्यूट डेविएशन को, जो मैक्सिमम जो आपके पास डेविएशन थी एरर के अंदर, रेसिडुअल जो आपके पास लार्जेस्ट रेसिडुअल था, हम वो रिड्यूस कर रहे थे यहाँ पे चेबीशेव मेथड के अंदर। मेथड टू, अच्छा, व्हेन वी वर ग्राफिकली फिटिंग लाइंस, ये नंबर टू मेथड है, और इसके अंदर मिनिमाइजिंग द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि पहला वो मैक्सिमम एब्सोल्यूट डेविएशन को मिनिमाइज कर रहा था या सम को मिनिमाइज कर रहा है। तो व्हेन वी वर ग्राफिकली फिटिंग लाइन्स यूज द डेटा इन सेक्शन 3.1, वन ऑफ आर क्राइटेरिया मिनिमाइज द टोटल सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस बिटवीन द डेटा पॉइंट्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन द फिटेड लाइन। तो आपके पास वेरी सिंपल, मतलब आपके पास ये डेविएशंस हैं और आपके पास ये उनका सम हो गया। तो आपके पास मैं इनको पूरा जो सम है, मतलब ये कि सम, अगर मैं उस प्रॉब्लम के लिहाज से बात करूँ तो समेशन ऑफ ऑल द रेसिडुअल्स, समेशन फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n इज द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स आर आई, तो आपके सर रेसिडुअल्स हो गए, उनका मॉड लिया, क्योंकि मैं आपके पास एब्सोल्यूट डेविएशंस को मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, तो मैं इस पूरी चीज़ को मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। ये आपके पास सेकंड मेथड है मिनिमाइज, ठीक है। तो दिस क्राइटेरियन कैन बी जनरलाइज्ड गिवन सम फंक्शन दिस, जिस तरह हमने पहले जनरलाइज किया था, इन अ कलेक्शन ऑफ एम डेटा पॉइंट्स मिनिमाइज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस दैट दिस इज द डेविएशन दैट इज डिटरमिन द पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन वाई इक्वल एफ एक्स टू मिनिमाइज। तो हमें किसी तरह इस पूरे चीज़ को मिनिमाइज करना है, इस सम को मिनिमाइज करना है। इफ़ वी लेट आर आई इज इक्वल टू वाई आई माइनस एफ एक्स आई, यानी एक रेसिडुअल आपके पास, वो आपके पास इस तरह हम डिफाइन कर रहे हैं, मतलब आइथ जो रेसिडुअल है रिप्रेजेंट्स ईच एब्सोल्यूट डेविएशन, देन द प्रीसीडिंग क्राइटेरियन 3.2 कैन बी इंटरप्रेटेड एज मिनिमाइजिंग द लेंथ ऑफ द लाइन फॉर्म बाई एडिंग टुगेदर द नंबर्स आर आई। तो मतलब ये कि मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मेरे पास ये डेविएशंस हैं, आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3, तो वो कहता है कि इफ़ आई अज्यूम दैट दीज नंबर्स दे फॉर्म अ लाइन, और आपके पास मैं इस लाइन की लेंथ, ओवरऑल लेंथ को फिर मैं रिड्यूस करना चाह रहा हूँ। ये जो आपके पास पूरी की पूरी लाइन इन सब को मिला के बन रही है, जैसे ये R1 हो गया यहाँ से यहाँ तक R2 हो गया, फिर आपके पास तीसरी जो डेविएशन हो गई वो R3, मतलब जो वर्टिकल डेविएशन है मैंने उसको हॉरिजॉन्टल करके और सिंपल एक ऐड कर दिया, बेसिकली इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो वो कहता है कि आई वांट टू रिड्यूस दिस होल थिंग, ठीक है, विच इज़ R1 प्लस R2। तो ये एक ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है उसकी। इसका प्रॉब्लम क्या है, मतलब इस वाले क्राइटेरिया को जब मैं अप्लाई करता हूँ,
ऑल्दो वी ज्योमेट्रिकली अप्लाइड दिस क्राइटेरिया इन सेक्शन 3.1 व्हेन द फंक्शन टाइप आई थिंक विल एफएक्स वाज अ लाइन वाज अ वेरी सिंपल लाइन, तो ये अप्लाई हो सकता है कि जी मैं टोटल डेविएशंस को जो है ना मिनिमाइज कर दूं। द जनरल क्राइटेरियन प्रेजेंट सिवियर प्रॉब्लम्स, व्हाट आर दो सिवियर प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व दिस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम यूजिंग द कैलकुलस वी नीड टू डिफरेंशिएट द सम 3.2। तो सीधी बात है, हमें जब मिनिमाइज करना है तो ये एक नॉर्मल मेथड है, मतलब ये कैलकुलस के अंदर आपके पास जब भी मुझे कोई भी एक फंक्शन है एफ एक्स और मुझे इसको मिनिमाइज करना है, इसका मिनिमल पॉइंट डिटरमिन करना है, तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू टेक द डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन, जिससे मुझे इसके स्टेशनरी पॉइंट्स पता चलते हैं और फिर मुझे वो डिटरमिन करना पड़ता है कि वो कौन से स्टेशनरी पॉइंट मिनिमा या मैक्सिमा है, ठीक है। और अगर आपके पास मल्टी वेरिएबल फंक्शन है तो उसके अंदर ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हो जाएंगे ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स मुझे लेने पड़ेंगे। वो कहते हैं मसला यहाँ पर ये है कि ये जो आपके पास क्राइटेरियन है दिस वन, ये आपके पास इसका अगर मैं और इसको इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो आगे वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है क्योंकि दिस इज अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन, और फिर वो मेरे लिए मसले खड़े करता है। टू सॉल्व दिस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम यूजिंग द कैलकुलस वी नीड टू डिफरेंशिएट द सम विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर्स ऑफ एफ एक्स टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, और हाउएवर द वेरियस derivatives of the sum fails to be continuous because of the presence of the absolute values. तो आगे पर जो absolute values हैं that is ri, और so we will not pursue this criterion further, क्योंकि ये आपके पास इस फिर स्कोप से बाहर हो जाता है, इस बुक ने यहाँ पे जो है ना मतलब इसको नहीं डिस्कस किया क्योंकि आगे जो derivatives हैं आपके वो discontinuous हो जाते हैं इस method के अंदर। In chapter 7 we consider other applications of the criterion of this criterion which is second criterion and present techniques for approximating solutions numerically, ठीक है। तो ये second हमारे पास method है मॉडल के पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने का, जो उसने ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। वी मूव ऑन टू द थर्ड वन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हर फील्ड के अंदर, कंट्रोल सिग्नल प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, इमेज प्रोसेसिंग, एस्टिमेशन थ्योरी, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, यू नेम इट, यू यूज़ दिस, मतलब ये कि इकोनॉमिक्स फाइनेंस हर जगह, लेकिन इंजीनियरिंग में भी इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। करंटली द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज कर्व फिटिंग क्राइटेरियन इज द लीस्ट स्क्वायर्स क्राइटेरिया, ठीक है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, दो अलग बातें हैं, एक मॉडल स्ट्रक्चर है और आपके पास एक मॉडल आपके पास पैरामीटर्स डिटरमिन करने का मेथड है। हम मॉडल पैरामीटर्स डिटरमिन करने के डिफरेंट मेथड्स को देख रहे हैं, हम मॉडल स्ट्रक्चर को नहीं देख रहे हैं। मॉडल स्ट्रक्चर विल बी गिवन टू अस, ठीक है। तो इफ़ यूज द सेम नोटेशन शोन अर्लियर द प्रॉब्लम इज टू डिटरमिन द पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन टाइम वाई इज इक्वल एफ एक्स, अब वाई इज इक्वल एफ एक्स कैन बी एनीथिंग टू मिनिमाइज द सम। अब हमारे पास ये है कि यहाँ पर अगर आप जहन में रखें, अगर मैं सिर्फ कंपेयर करूं, पहला वाला क्राइटेरिया ये था कि वाई आई माइनस एफ एक्स आई मॉड, इसका जो मैक्सिमम था हम उसको मिनिमाइज कर रहे थे, दिस वाज आवर फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड वन वाज आई इज इक्वल टू वन टू एन वाई आई माइनस एफ एक्स आई, ये सेकंड वाला मेरे पास क्राइटेरिया था कि मैं इस सम को मिनिमाइज कर रहा हूं, मिनिमाइज। थर्ड वाला क्राइटेरिया क्या है कि जी आपके पास मैं वाई आई माइनस एफ एक्स आई जो एरर है, जो रेसिडुअल है, उसका स्क्वायर का सम आई इक्वल टू वन टू एन, मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पास ये एम जो है ना, मेरे पास ये डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, थिंक ऑफ द आर आई एज द स्केलर कॉम्पोनेंट्स। अब इंडिविजुअल, जिस तरह पिछले वाले एग्जाम्पल के अंदर उसने इंडिविजुअल आर आई को, और फिर कहा कि सम ऑफ आर आई इज अ लाइन, फॉर्म्स अ लाइन, मतलब ये क्या पहले वाले जो इसके मेथड टू के अंदर था, तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, थिंक ऑफ द आर आई एज द स्केलर कॉम्पोनेंट ऑफ अ डेविएशन वैक्टर एज डिपेक्टेड इन फिगर 3.14, दस द वैक्टर आर इज इक्वल टू आर आई आई आर टू जे आर थ्री के रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट डेविएशन बिटवीन द ऑब्जर्व एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज। लेट मी शो दिस कंप्लीट प्रॉब्लम विद एन एग्जाम्पल, कि जी ये मेरे पास, मैं अपनी बिल्कुल बेसिक एक लाइन लेता हूँ कि ये मेरा वो मॉडल है जो मैं फिट कर रहा हूँ, दैट इज़ वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये मॉडल है और ये मेरे पास डेटा पॉइंट्स हैं। यहाँ पर ये जो डेविएशन है वो ये है आर वन, दिस इज आर टू, दिस इज आर थ्री। वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि मैं आर वन आर टू आर थ्री, असल में यहाँ पे क्या होता है कि जी रिजल्टेंट आपके पास जो चीज़ है, द रिजल्टेंट विच इज़ द सम इज आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर थ्री स्क्वायर, सम ऑफ द, मैंने बेसिकली जो चीज़ लिखी है ये चीज़ लिखी है, ये डेविएशंस का सम हो गया,
और अगर मैं इसको इस तरह करके लिख दूं, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर, तो मैं वेक्टर नोटेशन के अंदर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। वेक्टर नोटेशन के अंदर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि जी मेरे पास बेसिकली लेट सपोज अगर तीन डेटा पॉइंट्स थे तो मेरे पास एक थ्री डायमेंशनल स्पेस है, और जो तीन आपके पास ये R1 R2 R3 जो हैं ये आपके पास एक वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर, ये उसके तीन कंपोनेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे लेट मी शो यू दिस वन, कि ये आपके पास एक वेक्टर ये हो गया, लेट मी ड्रॉ दिस कंप्लीट बॉक्स, कि ये आपके पास एक वेक्टर था जो यहां से शुरू हुआ वो यहां पे आके एंड हो गया। ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ आर है, इसके तीन कंपोनेंट्स है। इसके तीन कंपोनेंट्स कौन से हो गए, अगर मैं वर्टिकली इसको ड्रॉप करूं यहाँ पे तो आपके पास एक कंपोनेंट इसका ये है जो R1 कंपोनेंट कहलाता है अलोंग I, और इसका एक दूसरा कंपोनेंट हो गया लेट सपोज वो आपके पास ये वाला कंपोनेंट हो गया अलोंग J जिसको मैं R2 कह रहा हूँ, और तीसरा कंपोनेंट इसका जो है ना वो आपके पास हो गया ये वाला कंपोनेंट अलोंग K। वो कह रहे हैं बेसिकली कि मैं अगर ये वेक्टर्स को किसी तरह, वेक्टर्स कौन सी, तीन वेक्टर्स जो है मेरे पास R1 वेक्टर R2 वेक्टर R3 वेक्टर, इनको मैं मिनिमाइज कर दूंगा तो मेरे पास रिजल्टिंगली मेरे पास R जो है ना वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो मैं इस वेक्टर की लेंथ को मैं मिनिमाइज करना चाहता हूँ। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है मेरे पास ली स्क्वायर्स की। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डेविएशन वेक्टर इज गिवन बाय R, टू मिनिमाइज आर वी कैन मिनिमाइज R स्क्वायर। तो मैं सिंपली अगर मैं R स्क्वायर को मिनिमाइज कर रहा हूँ तो I am minimizing R। तो ये ओवरऑल पिक्चर जो अभी मैंने आपको बना के दी, तो जहन में रखिएगा कि R1 R2 R3 आपके पास ये रेसिडुअल्स हैं और R इनका रिजल्टेंट है, R इज अ रिजल्टेंट। वी मूव ऑन टू लेक्चर 7। ठीक है, सपोज दैट आर अजम्पशंस, suppose that our assumptions lead us to expect a model of a certain type and that data has been collected and analyzed। दो बातें इसने यहाँ पे कह दी कि उसने कहा कि जी मॉडल स्ट्रक्चर इज नोन, मॉडल स्ट्रक्चर मुझे पता चल गया है, मुझे बता दिया गया है और मेरे पास डेटा भी मौजूद है, आई हैव द डेटा अवेलेबल विद मी। इन दिस सेक्शन द ली स्क्वायर्स क्राइटेरियन इज अप्लाइड टू एस्टिमेट द पैरामीटर्स फॉर सेवरल टाइप्स ऑफ कर्व्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स पे मैं ये टेक्निक फिर अप्लाई करूँगा। सबसे पहले फिटिंग ए स्ट्रेट लाइन, तो कहता है कि जी सपोज द मॉडल ऑफ द फॉर्म y इक्वल x प्लस बी इज एक्सपेक्टेड, मतलब ये मॉडल स्ट्रक्चर है, ये मॉडल स्ट्रक्चर है जो मुझे जो है ना प्रोवाइडेड है, दिस इज अ मॉडल स्ट्रक्चर विच हैव बीन प्रोवाइडेड एंड इट हैज बीन डिसाइडेड टू यूज द m डेटा पॉइंट्स, ये हो गया, टू एस्टिमेट a एंड b। तो ये a और b की जो वैल्यूज आपको निकालनी है, डिनोट द ली स्क्वायर्स एस्टिमेट ऑफ y इक्वल x प्लस बी बाय y इक्वल ax प्लस b, मतलब वो कहता है कि जी ये ओवरऑल मॉडल स्ट्रक्चर है और ये इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स को मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अप्लाइंग द ली स्क्वायर क्राइटेरियन 3.3 टू दिस सिचुएशन रिक्वायर्स अ मिनिमाइजेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो मेरे पास ये स्टैंडर्ड, मेरे पास ये रेसिडुअल्स हो गया, रेसिडुअल्स का स्क्वायर हो गया, ये उनका सम हो गया, और फिर मैं इस पूरे सम को मुझे मिनिमाइज करना है। तो वो कहता है कि जी ये fxi जो आपके पास है इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, सिंस fxi इज इक्वल टू axi प्लस बी, देयरफोर yi माइनस fxi, तो yi माइनस axi माइनस b, तो दिस कंप्लीट थिंग गोज हेयर, उसका स्क्वायर है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, क्योंकि आई हैव टू पैरामीटर्स और आई हैव टू मिनिमाइज एस, तो आई विल टेक द पार्शियल डेरिवेटिव। तो जब मैंने पार्शियल डेरिवेटिव डेल एस बाई डेल ए लिया, और डेल एस बाई डेल ए, तो आपके पास वॉट यू विल गेट, दिस इज सिंपल कैलकुलस, तो आपके पास डेल एस बाई डेल ए इज अप्लाइड ऑन दिस वन इज इक्वल टू डेल बाय डेल ए, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to m, और वाई आई माइनस ए एक्स आई माइनस बी का होल स्क्वायर, तो दिस विल बी 2 एंड द होल थिंग आई इज इक्वल टू 1 to m, और वाई आई जब चेन रूल आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि माइनस ए एक्स आई माइनस बी, देन मतलब ये कि आई एम अप्लाइंग द चेन रूल,
ऑफ माइनस ए एक्स आई, तो आगे भाई व्हाट यू विल गेट इज माइनस टू समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एम वाई आई माइनस ए एक्स आई माइनस बी एंड व्हाट यू विल गेट माइनस एक्स आई। तो वो बेसिकली माइनस मैंने पीछे लिख दिया था, यहाँ पे मैं एक्स आई सिंपल लिख देता हूँ। ये माइनस जो साइन आया है ये इसी डेरिवेटिव की वजह से आया है। तो दिस एक्सप्रेशन कम्स हेयर। इसी तरह करके मैं दूसरे पैरामीटर के लिहाज से भी जो है मैं उसको डेरिवेटिव लूँगा, क्योंकि मुझे जो मिनिमाइज़ करना है मुझे दोनों पैरामीटर्स मिनिमाइज़ करने होते हैं, ए और बी। तो जब मैंने इन दोनों को जीरो बराबर इसलिए पुट किया क्योंकि ये मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स डिटरमिन करने हैं। देन व्हाट आई विल डू, दीज इक्वेशंस कैन बी री रिटन। तो ये कि ये जो इक्वेशंस थी, ये वाली इक्वेशंस, ये सिंपली इसके अंदर क्या होगा कि ये जो आपके पास समेशन का साइन है दिस विल गेट मल्टीप्लाइड, और ये इसी तरह यहाँ पे क्योंकि समेशन का साइन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा और समेशन का साइन यहाँ पे आ जाएगा। समेशन आप पे इस पर अप्लाई कॉन्स्टेंट्स पे अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। तो उसने कहा कि सिंपल यू गेट दिस वन। और आपके पास ये दो इक्वेशंस बनी वहाँ से, आप इसको सिंपल करेंगे मैथ्स यू विल गेट दिस वेरी इजीली। मतलब ये कि समेशन साइन आपके पास सिंपली जो है ना वो हर एक पे अप्लाई होगा, ठीक है। और वो कहता है कि जब इन दोनों को द प्रीसीडिंग इक्वेशंस कैन बी सॉल्व, अब ये दो इक्वेशंस आपस के अंदर मैं सॉल्व कर सकता हूँ फॉर ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब आपके पास हो गया फॉर ए एंड बी, इनको आपस में सब्स्टिट्यूट करके, मतलब बहुत सिंपल एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन है कि जी आपके पास ए की वैल्यू, मतलब ये है कि यहाँ से इसको मैंने मूव कर दिया और बी इसको यहाँ नीचे मूव कर दिया, तो बी मेरे पास बन गया और द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए बन गई मेरे पास, और वो बी की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे, तो आई गेट द इक्वेशन फॉर ए विच इज़ दिस इक्वेशन। अब वो यहाँ पर ये कहता है आई गेट दीज इक्वेशंस ए एंड बी। ये जो ए एंड बी आपके पास इक्वेशन है ये स्लोप और इंटरसेप्ट की है। स्लोप और इंटरसेप्ट की कैसे है कि आपके पास वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, और ये मैंने पहले आपको समझाया था इस लेक्चर में वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो आपके पास ये स्लोप हो गया इसका और ये वाई इंटरसेप्ट हो गया, तो आपके पास ये वाई इंटरसेप्ट हो गया, जैसे वाई इंटरसेप्ट और ये आपके पास स्लोप हो गया, ये इक्वेशंस हो गई। अब मैं जो मेरे पास कंप्यूटर कोड्स आर इजीली रिटन, ये बहुत मशहूर इक्वेशंस हैं और आपके पास इसके बहुत ज़्यादा कोड्स एग्जिस्ट करते हैं, और ये मेथड इसका सॉल्व करने का, देर आर मेनी मेनी अदर मेथड्स एज वेल, बाज आपके पास डायरेक्ट मैट्रिक्स एलजेब्रा से आते हैं, तो आपके पास ये भी आपके पास डेटा पॉइंट्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, और इससे आप जो है ना ये पूरा कंप्यूट कर सकते हैं ए और बी की वैल्यू। और दीज आर इक्वेशन 3.4 आर कॉल्ड द नॉर्मल इक्वेशंस। तो ये आपके पास नॉर्मल इक्वेशंस कहलाती हैं ये वाली। अच्छा, अब हमारे पास, लेट मी शो यू एन एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल इसने इस तरह, ये तो मतलब बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, तो मैं खुद ही आपको एक क्विकली एक बात समझा देता हूँ कि जी अगर आपके पास पॉइंट्स हैं एक्स और वाई, और ये आपके पास पॉइंट्स हैं लेट सपोज 1, 2, 3, 4, और ये 8 है और ये 2, 15 है और ये 9 है और ये 14 है, इस तरह करके कुछ डेटा पॉइंट्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर जब आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर m की वैल्यू जो है ना, इस केस में द वैल्यू ऑफ m विल बी 4। और आपके पास अगर यहाँ पे आप सिंपल इसको देखें, इसको, तो इसके अंदर आपके पास a इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास 4 हो जाएगा, और समेशन एक्स आई वाई आई ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, माइनस समेशन एक्स आई समेशन वाई आई। तो समेशन एक्स आई वाई आई का मतलब आपके पास क्या हो गया कि एक्स वन मल्टीप्लाई वाई वन प्लस एक्स टू वाई टू। ये बहुत बेसिक मैथ्स है लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो, एक्स थ्री वाई थ्री प्लस एक्स फोर वाई फोर, इस तरह करके ये आपके पास ये चीज़ बनी। इसी तरह आप समेशन एक्स वन का मतलब आपके पास क्या बनेगा, कम से कम आपको दो या तीन डेटा पॉइंट्स के लिए हाथ से खुद कंप्यूट करना आना चाहिए ताकि आप एग्जाम में कर सको। समेशन एक्स वन का एक्स वन प्लस एक्स टू हो गया, और दिस गेट मल्टीप्लाई बाय वाई वन प्लस वाई टू, और यहाँ पे तो आगे वाई थ्री वाई फोर है और एक्स थ्री एक्स फोर भी है। तो बहरहाल ये कि इस तरह करके आप यू कैन गेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, और जो आपके पास मतलब फिर जब आपके पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, और आपके पास वाई इक्वल ए एक्स प्लस बी, लेट सपोज आपकी ए और बी की वैल्यू आई 2x+7, तो आप यहाँ पे लाइन इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि दिस इज द लाइन फॉर 2x+7, वाई इज इक्वल टू 2x+7 की लाइन है, और ये आपके पास डेटा पॉइंट्स थे, और आप उसके जो है ना हर एक के इंडिविजुअल रेसिडुअल्स फिर आप निकाल सकते हैं, R1, R2, R3, R4 ये आप निकाल सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं एक्चुअली ऑन द ग्राफ पेपर, और फिर आप इसका रिजल्टेंट एरर भी बता सकते हैं कि मीन स्क्वायर्ड एरर इसका कितना है, मतलब जो
ये वैल्यू कहलाती है इसकी, जो पिछले लेक्चर के अंदर मौजूद थी ऑन द लास्ट स्लाइड। ये जो आर आपके पास है रिजल्टेंट, यू कैन कंप्यूट दिस वन, ठीक है, ली स्क्वायर क्राइटेरिया के अंदर। तो अब ये मेथड जो है ली स्क्वायर का, जो हमने अभी सिंपल एक लाइन पे लगाया, वी कैन अप्लाई दिस सेम मेथड ऑन अ पावर कर्व। पावर कर्व का सिंपल मतलब यहाँ पर उसने ये लिखा है कि एनी, आई थिंक देर इज अ प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पर ये आ गया उस पावर कर्व हो गया, और इस पे उसने अप्लाई किया है ए एक्स एन का, मतलब एन कैन बी 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 1 होगा तो सिंपल लाइन हो गई, और 2 है तो एक पैराबोलिक कर्व है, और 3 है तो क्यूबिक कर्व है, 4 है तो आपके पास बाइक्वाड्रेटिक है। तो वो कहते हैं कि हम किसी भी कर्व पे, मतलब अगर हमें डेटा फिट करना है तो हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे क्या मतलब है कि जी अगर आपके पास कोई डेटा गिवन है और आप कहते हैं कि जी मैं, मेरे ख्याल में यहाँ पे जो है ना एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है ना मैं फिट करना चाह रहा हूँ। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब है वाई इज इक्वल टू समथिंग एक्स क्यूब, तो एन की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 3 हो गई, मैं ये फिट करना चाह रहा हूँ। अब हमने जो मेथड अभी देखा है वो तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी वाला मेथड है, तो हम ये वाला कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे उसने वही डेरिवेशन पूरी इसने की है, वही एग्जैक्टली वही मैथ्स है कि यू हैव दिस फंक्शन और आपके पास यहाँ पर एफ एक्स आई आ गया, ए एक्स एन हो गया, और जब आपने डेरिवेटिव लिया, नाउ यू हैव ओनली वन, तो आप ये देखें यहाँ पे डेरिवेटिव आ गया, वहाँ पहले पार्शियल डेरिवेटिव थे क्योंकि ए और बी थे, यहाँ पे सिंपल ए है तो सिंपल आपके पास डी एस बाई डी ए हो गया, यू गेट दिस वन इक्वल टू 0 बिकॉज दिस अ क्रिटिकल पॉइंट, और आपके पास सॉल्विंग फॉर ए यील्ड्स दिस वन, तो यू हैव दिस फार्मूला। तो वो कहते हैं कि नाउ यू हैव दिस फार्मूला, और ये फार्मूला वैलिड है फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। रिमेंबर द नंबर एन इज फिक्स्ड इन इक्वेशन 3.7, कि ये n मूव नहीं करता, ये जो आपके पास ऐसा ना हो कि गलती में आप जब समेशन यहाँ पे कर रहे हो एक्स आई एन वाई आई जो लिखा हुआ है, दिस n कम्स फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडल, n ये फिक्स्ड होगा, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है, बाकी आप जो दिस समेशन रन्स फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to m विच इज़ अ नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, तो ये मतलब है समेशन i इज इक्वल टू 1 to m नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स एक्स आई टू एन, तो n इज फिक्स्ड, रिमेंबर, ठीक है। तो वो कहता है कि जी अगर आगे कोई भी पावर कर्व है तो यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला एंड देन यू कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ ए, और ए यहाँ पर जो है ना वो ये वैल्यू आएगी, यहाँ पे मैंने स्मॉल में लिख, कैपिटल में लिख दी, ए एक्स क्यूब, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स फोर, वॉट एवर, तो यू कैन अप्लाई दिस मेथड। द ली स्क्वायर्स क्राइटेरियन कैन बी अप्लाई टू अदर मॉडल्स एज वेल, तो इसकी ब्यूटी ये है कि आपके पास ये बहुत सारे मॉडल्स पर अप्लाई किया जा सकता है, डिफरेंट मॉडल स्ट्रक्चर्स पर अप्लाई किया जा सकता है, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि सिर्फ पावर कर्व पे हो या फिर आपके पास स्ट्रेट लाइंस पर हो, ये अब मतलब एक्सपोनेंशियल्स पे सब पे अप्लाई हो सकता है। द लिमिटेशन इन अप्लाइंग द मेथड लाइज इन कैलकुलेटिंग द वेरियस डेरिवेटिव्स, लेकिन यहाँ पे जो एक लिमिटेशन है कि यू नीड टू कंप्यूट द डेरिवेटिव्स रिक्वायर्ड इन द ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, क्योंकि जो अभी हमने चीज़ डिस्कस की ये हम ऑप्टिमाइज कर रहे थे, मतलब ये जो हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं तो हम सिस्टम का मिनिमा निकाल रहे होते हैं बेसिकली। सेटिंग दीज डेरिवेटिव्स टू 0 एंड सॉल्विंग द रिजल्टिंग इक्वेशंस फॉर द पैरामीटर्स इन द मॉडल टाइप, तो हमने दो अभी कर्व्स देखे, हमारे पास जो है ना ए एक्स प्लस बी y इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू ए एक्स एन, इन दोनों के अंदर हमने क्या किया, दोनों का डेरिवेटिव लिया और फिर हमने जो है ना वो पैरामीटर्स, मॉडल पैरामीटर्स की वैल्यू डिटरमिन की। तो कहते हैं लेकिन बाज दफ़ा ये मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे उसने एक एग्जाम्पल दी है जो बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स फिट y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर टू द डेटा शोन इन टेबल 3.3, अगर एंड प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 2.25, वो कहता है कि जी ये मेरे पास डेटा है और इसको मुझे जो है, लेट मी प्लॉट दिस वन, कि जी आपके पास यहाँ पर हो गया 0.5, ये 1 हो गया, फिर आपके पास 1.5 है, फिर ये 2 है और ये आपके पास 2.5 है और यहाँ पे कहीं 0.7 हो गया। बहरहाल ये आपके पास, मैं वैसे ही मार्किंग कर देता हूँ थोड़ी बहुत, ये 7.2 हो गया, 12.4 हो गया, 20.1, ये कुछ इस तरह करके डेटा है। वो कहता है जी आई वॉन्ट टू फिट अ क्वाड्रेटिक मॉडल, मतलब y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ऑन दिस वन। अब ये ध्यान में रखना है कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई चीज़ अप्लाई नहीं हुई है, जो पहले कॉन्सेप्ट गुजरा था ये x हो गया, ये सिंपल y हो गया, तो मेरे पास जो कर्व है ये वाकई में पैराबोला नज़र आएगा, या कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं हुई है। अगर मैं दोबारा पुराना वाला कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर देता हूँ, अगर मैं प्लॉट कर रहा होता y को अगेंस्ट एक्स स्क्वायर, तो दिस शुड हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा यहाँ पे मैं, यहाँ पे मैं y को अगेंस्ट x कर रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अगर ये पैराबोला है अब मुझे फिट करना है तो मेरे पास वही रेसिड्यूज़ हैं, ये रेसिड्यू हो गया, ये हो गया, रिमेंबर ये कोई चीज़ मुझे हाथ से कैलकुलेट नहीं करनी होती है, सारे फॉर्मूलेज होते हैं। तो मेरे पास ये फॉर्मूला है और मेरे पास जो है ना ये एक मैं पैराबोला फिट कर रहा हूँ डेटा पे,
आई अप्लाइड दिस वन, आई कंप्यूटेड ऑल दीज वैल्यूज़, जो ये वैल्यूज़ उसने दी हुई है कि जी ये आपके पास कंप्यूट की, ये कंप्यूट की, और अल्टीमेटली ए की वैल्यू ये आई टू फोर डेसिमल प्लेसेस. दिस कंप्यूटेशन गिव्स द लीस्ट स्क्वेयर अप्रॉक्सीमेट मॉडल दिस वन. तो ये मेरे पास मॉडल आया और उसने कहा जी आपको जब प्रिडिक्ट करना है एक्स इज इक्वल टू 2.25, कि जब एक्स आपके पास 2.25 होगा, यहाँ पे कहीं 2.25 होगा, तो वो कहता है कि जो ये मॉडल वैल्यू दे रहा है आपके पास, जो मॉडल वैल्यू दे रहा है, दिस इज द प्रिडिक्शन, दिस इज द प्रिडिक्शन, या हम इसको इंटरपोलेशन भी कहते हैं, ये हम इंटरपोलेशन कर रहे हैं. तो जो इंटरपोलेशन हमने की तो हमारे पास वो कहता है कि जी ये वैल्यू आई है 16.1337, जो कि रीजनेबल है, इन दोनों के दरमियान लाई करती है. मतलब अगर कोई बहुत ही आउट वैल्यू होती तो हम कहते गलत है, इन दोनों के बीच की वैल्यू थी एक्स की जो हमने प्रेडिक्ट की, और वाई में हमारे पास इन दोनों के मिडिल में तकरीबन वैल्यू आई है. ट्रांसफॉर्म ली स्क्वायर्स, अब वो यहाँ पे जो जो कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में देखा था वो यहाँ पर जो डिस्कस करना चाहता है वो क्या चीज़ है कि ट्रांसफॉर्म ली स्क्वायर्स के अंदर ऑल्दो द ली स्क्वायर्स क्राइटेरिया अपीयर्स इजी टू अप्लाई इन थ्योरी, इन प्रैक्टिस इट मे बी डिफिकल्ट. वाई इट इज़ डिफिकल्ट, डेरिवेटिव्स निकालने में, इक्वेशंस डिराइव करने में बाज़ दफ़ा मसला हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर फिटिंग द मॉडल दिस वन, तो हमने अभी तक एक्सपोनेंशियल्स नहीं देखे थे, तो वो कहते हैं अगर मैं एक्सपोनेंशियल्स को देखूँ यूजिंग द ली स्क्वायर क्राइटेरिया, तो ये कि मेरे पास ये बनेगा और ये मेरे पास. अब नाउ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिमैलिटी इज दैट दिस टू शुड बी इक्वल टू जीरो. सिंपल, मतलब ये बात गुजर चुकी है कि मेरे पास दो पैरामीटर्स, अगर मेरे पास तीन पैरामीटर्स होते तो आई शुड बी टेकिंग थ्री डेरिवेटिव्स. रिमेंबर, मतलब अगर एग्जाम में इस तरह सवाल आता है, अगर मैं आपको कहता हूँ कि जी आपके पास जो एफ एक्स आई है दैट इज के वन एक्स क्यूब, लेट सपोज ये स्ट्रक्चर के टू एक्स स्क्वायर प्लस के थ्री एक्स, लेट सपोज ये स्ट्रक्चर है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे कि जी डेल एस बाय डेल के वन और डेल एस बाय डेल के टू एंड डेल एस बाय डेल के थ्री, तो आपके पास तीन इक्वेशंस आएंगी. उन तीन इक्वेशन से देन यू विल डिटर्मिन द कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस फॉर के वन समथिंग और के टू समथिंग और के थ्री समथिंग. ठीक है, ये प्रोसीजर स्टैंडर्ड प्रोसीजर है एल एस का. वो कहता है लेकिन बाज़ दफ़ा ये कंप्यूट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो वो कहते क्या कंप्यूट करना, ये डेरिवेटिव्स कंप्यूट करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं. फॉर्मुलेट द कंडीशंस एंड कन्विंस योरसेल्फ दैट सॉल्विंग द रिजल्टिंग सिस्टम्स ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस वुड नॉट बी इजी. वो कहते हैं जब इसको हम इसका डेरिवेटिव लेंगे और फिर जब इसको आपस में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इट विल बी समथिंग वेरी चैलेंजिंग. मैनी सिंपल मॉडल्स रिजल्ट इन डेरिवेटिव्स दैट आर वेरी कॉम्प्लेक्स. मॉडल बहुत सिंपल है लेकिन डेरिवेटिव्स दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स. और इन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस दैट आर डिफिकल्ट टू सॉल्व, फॉर दिस रीजन वी यूज ट्रांसफॉर्मेशंस दैट अलाउ अस टू अप्रॉक्सीमेट द ली स्क्वायर्स मॉडल. वो कहते हैं कि इस मसले की वजह से यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहा हूँ. तो नाउ यू शुड रिमेंबर कि ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ी थी पहले. अब यहाँ पे एक जेन्युइन आर्ग्यूमेंट है कि क्योंकि ली स्क्वायर्स के अंदर डेरिवेटिव लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, दैट्स वाई वी यूज ट्रांसफॉर्मेशन. लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो है ना मेरे पास डेटा का डिस्टेंस मेंटेन नहीं रहता, डेटा का डिस्टेंस जो है वो मेंटेन नहीं रहता, तो वो एक जेन्युइन मेरे पास इशू बन जाता है. अब यहाँ पर मेरे पास इन ग्राफिकली फिटिंग नाइन्स टू डेटा इन सेक्शन 3.1 वी ऑफन फाउंड इट कन्वीनियंट टू ट्रांसफॉर्म द डेटा फर्स्ट एंड देन फिट अ लाइन टू द ट्रांसफॉर्म पॉइंट. तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखी है वहाँ पे. तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल इन ग्राफिकली फिटिंग वाई इक्वल सी एक्स वी फाउंड इट कन्वीनियंट टू प्लॉट एल एन वाई वर्सेस एक्स एंड देन फिट अ लाइन टू द ट्रांसफॉर्म डेटा. ये हमने उसके अंदर देखा था कि भाई वहाँ पे ये कैसे होता है. आप मतलब रिकॉर्डेड वीडियो आप पहले देख सकते हैं, वो लेक्चर पूरा जो है ना वो जब अपलोड हो ही जाएगा. द सेम आइडिया कैन बी यूज विद द ली स्क्वायर्स क्राइटेरियन एंड टू सिंप्लीफाई द कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोसेस. तो हम क्या करेंगे, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन और पूरे जितने भी जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, मॉडल है, उसको हम y इक्वल टू एक्स प्लस बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. इन पर्टिकुलर इफ ए कन्वीनियंट सब्सटीट्यूशन कैन बी फाउंड सो दैट द प्रॉब्लम टेक्स द फॉर्म दिस वन इन द ट्रांसफॉर्म वेरिएबल्स एक्स एंड वाई देन इक्वेशन 3.4 कैन बी यूज टू फिट अलाइन टू द ट्रांसफॉर्म वेरिएबल्स. तो हम क्या करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह ये चीज़ हमारे पास मिल जाए, हमें ये बन जाएगी, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है 3.4 और 3.5 3.6 हम ये डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. ये वाली इक्वेशन जो है ये हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं अगर हमने किसी तरह वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में हम ले आए. ठीक है, तो यहाँ पर वो कहता है कि ट्रांसफॉर्म एल एस एग्जाम्पल. तो यहाँ पर हमने क्या किया, सपोज वी विश टू फिट द पावर का वाई इक्वल टू ए एक्स एन टू कलेक्ट टू अ कलेक्शन ऑफ डेटा पॉइंट. तो अगर हम यहाँ पर ये फिट करने की कोशिश करते हैं, लेट्स डिनोट द एस्टिमेट ऑफ ए बाई एल्फा एंड एस्टिमेट ऑफ एन बाई एन. मतलब सिंपल वो कहता है कि जी मॉडल स्ट्रक्चर मेरे पास जो है ना वो ये है. तो सिंपल मैं इसको इस तरह करके लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू ए एक्स एन. ठीक है, जो मैं फिट कर रहा हूँ.
ओके तो नाउ व्हाट आई विल डू, मैं इसमें काम करूंगा, मैं ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा, सिंपल है। तो आपके पास एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन ए एक्स एन हो गया, और एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन ए प्लस एन एल एन और आपके पास एक्स, सिंपल ये वाली इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी से, एम एक्स प्लस सी से, या फिर मैं इसको कहता हूँ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, मतलब सब एक ही बातें हैं ये। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है आपके पास ln y ये हो गया, और ये आपके पास हो गया ln अल्फा, और n आपके पास जो है ना वो ये हो गया n, और ये आपके पास हो गया ln x। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे पास स्लोप जो है ना वो n हो गया, स्लोप जो है ना, तो मेरे पास जो स्लोप की लाइन है दिस इज द स्लोप, और मेरे पास जो इंटरसेप्ट है दैट इज ln अल्फा, जो b आपके पास है जो इंटरसेप्ट है, तो वो ये आपके पास हो गया y इंटरसेप्ट। फॉर्मूले एग्जैक्टली फार्मूला वही है जो मेरे पास 3.5 और 3.6 वाला है, लेकिन आपके पास उसकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल डिफरेंट है। ये स्लोप हो गया और ये आपके पास ये हो गया, और आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे व्हेन द वेरिएबल्स एल एन वाई वर्सेज एल एन एक्स आर प्लॉटेड, अब यहाँ पे जो हम प्लॉटिंग कर रहे हैं ये जहन में रखिएगा कि हम ये एल एन वाई और एल एन एक्स को हम प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। एल एन अल्फा आपके पास जो है ये वाई इंटरसेप्ट हो गया, और एन आपके पास स्लोप हो गया। तो जब मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये एल एन एक्स है, ये एल एन वाई है, और मेरे पास जो भी डेटा था नाउ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ दिस वन वाई, मतलब ये एक लाइन की फॉर्म में, और फिर मैं सारी अपनी कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, वेरी सिंपल। अब ये कि आपके पास ये कुछ डेटा था, और डेटा पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए, और जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद ये सब वैल्यूज़ हैं जो, मतलब सिंपल आप जो है ना वो मैटलैब से, कैलकुलेटर से, एक्सेल शीट में कहीं भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो वैल्यूज़ आई, किसकी वैल्यूज़ आई, मेरे पास जो एन की वैल्यू आई और अल्फा की वैल्यू आई, रिमेंबर वाई इज इक्वल टू ए एक्स एन है, तो मेरे पास जो या अल्फा, ये अल्फा यूज़ कर रहा है, वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स एन, तो ये मेरे पास जो एन की वैल्यू आई वो मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा, और मेरे पास एल एन अल्फा की वैल्यू आएगी। तो एल एन अल्फा मेरे पास जो है, ये एल एन अल्फा मेरे पास, इसकी वैल्यू कंप्यूट मेरे पास होकर आएगी। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं एक्सपोनेंट लूँगा और फिर मैं अल्फा की वैल्यू डिटरमिन करूँगा। लेट मी शो यू दिस वन, कि जी मेरे पास यहाँ पर ये एल एन अल्फा की वैल्यू आई, एंड देन आई कंप्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा, सिंपल मतलब उसका एंटी लॉग लेकर, और मेरे पास ये जो अल्फा की वैल्यू आई दैट इज़ हेयर, और जो मेरे पास एन की वैल्यू आई होगी, जो एन की ये वैल्यू है 2.06, तो ये आया। तो आप ये देखें, ये कोई एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक हम नहीं कह सकते इसको पैराबोलिक, क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं है बल्कि एक्स 2.0628 आया। तो द मॉडल प्रेडिक्स, अब यहाँ पर पहले जो मैंने ली स्क्वायर्स अप्लाई किया था, ये जहन में रखिएगा, इसको मैंने केस वन लिखा है जानबूझ के, इसके अंदर प्रेडिक्शन क्या आई थी, एक्स 2.25 पे मेरे पास आई थी 16.1337। ये मेथड अलग है, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं की है रिमेंबर, और इस वाले मेथड के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की, तो मेरे पास जो आंसर आया है वो आगे 16.438 आया। नोट हाउएवर दिस दैट दिस मॉडल फेल्स टू बी अ क्वाड्रेटिक लाइक द वन वी फिट प्रीवियसली। तो पहला जो केस वन में था वो एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक था, सेकंड वाले के अंदर मैं ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की और हमने ये निकाला। केस थ्री के अंदर वो क्या कहता है, कहते हैं कि मैं जो है ना वो एक क्वाड्रेटिक में मैं फोर्स कर देता हूँ, कि जी मेरा मॉडल जो है ना वो अब कोई पावर कर्व नहीं है इस तरह करके, बल्कि मैं जो है ना वो फिक्स कर देता हूँ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, कि अब फिट करो। तो जब आप फिट करो, सीधी बात है, तो मुझे अभी जो एस्टिमेट करना है वो सिंपल a को एस्टिमेट करना है, और यहाँ पे भी वो कहता है कि जी मैं ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूँगा, तो ln y इज इक्वल टू ln a प्लस 2 ln x। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं कि यहाँ पे अब ये जो वैल्यू है, जो स्लोप की वैल्यू है, पहले जो मैं निकाल रहा था स्लोप की, वो मुझे कंप्यूट नहीं करनी है, मुझे सिंपल इंटरसेप्ट कंप्यूट करना है। सारी मैथ्स वही है जो पहले गुजर चुकी है, जब हमने सॉल्व किया तो आई गेट दिस वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे जो आपके पास ये वैल्यू आपके पास आई, ये वैल्यू मेरे पास ए आई। अब वो कहता है कि जो केस थ्री, इसके अंदर भी जब मैंने प्रिडिक्ट किया, तो एक्स 2.25 पे मेरे पास ये प्रिडिक्शन आई। अब वो कहता है मेरे पास
तीन अलग अलग मॉडल्स हैं फॉर द सेम डेटा, तीनों लीस्ट स्क्वायर्स के हैं। अब मैं उनको कंपेयर करता हूँ कि कौन सा मॉडल मेरे लिए बेहतर है, कौन सा मॉडल मेरे लिए बेहतर नहीं है। वी कंपेयर द मॉडल प्रेडिक्ट्स दिस वैल्यू विच डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द वैल्यू 16.1337 प्रेडिक्टेड बाय द फर्स्ट क्वाड्रेटिक मॉडल। ये पहला क्वाड्रेटिक मॉडल था केस वन वाला, उसे कह लेंगे उसमें तो वैल्यू 16.1 आई है और यहाँ पे 15.88 आ रही है जो कि बहुत डिफरेंट है। तो कहते हैं कि हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। द प्रीसीडिंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट्स टू फैक्ट्स। फर्स्ट, इफ एन इक्वेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म टू यील्ड एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन द ट्रांसफॉर्म वेरिएबल्स, इक्वेशन 3.4 कैन बी यूज डायरेक्टली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये किसी तरह अगर मैं ये बना सकता हूँ ए एक्स प्लस बी, तो मेरे पास 3.4, 3.5, 3.6 डायरेक्टली अप्लाई हो जाती हैं, ठीक है, वॉट एवर द इक्वेशन इज, चाहे वो पावर कर्व हो, चाहे वो आपके पास एक्सपोनेंशियल्स हो। सेकेंड, द ली स्क्वायर बेस्ट फिट टू द ट्रांसफॉर्म इक्वेशंस डज नॉट कॉन्साइड विद द ली स्क्वायर बेस्ट फिट ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशंस। ओरिजिनल इक्वेशंस आपके पास, क्योंकि वहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन जो अप्लाई हो रही होती है वो पावर कर्व पे अप्लाई हो रही होती है, और ट्रांसफॉर्म के अंदर जो अप्लाई हो रही है तो ट्रांसफॉर्म वेरिएबल्स पे होती है, दोनों के आंसर डिफरेंट होते हैं। द रीजन फॉर दिस डिस्क्रिपेंसी इज दैट द रिजल्टिंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट। दोनों ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम डिफरेंट हैं, एक के अंदर आप एक्चुअल डेटा पे कर रहे होते हैं, एक पर ट्रांसफॉर्म डेटा पे कर रहे होते हैं। इन द केस ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम वी आर फाइंडिंग द कर्व दैट मिनिमाइजेज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस यूजिंग द ओरिजिनल डेटा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। Whereas in the case of the transform problems, we are minimizing the sum of the squares of the deviations using the transform variables. ये दो अलग concepts हैं। Relating the criteria after the midterm, we will continue. यहाँ तक हम रोक देते हैं, यहाँ तक बस चीज़ें आपके पास midterm के अंदर included हैं।